हेलो दोस्तों, क्या हाल है। अच्छा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते ही। रूस रशिया में रहने वाली एक महिला के वजन से उसके पति की मौत हो गई। महिला और उसके पति के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद महिला को गुस्सा आया और वो अपने पति के मुंह पर बैठ गई। 101 किलो की बीवी का भार पति सह नहीं पाया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। कपल के बीच लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन कई बार लड़ाइयां काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अंजाम के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। ऐसी ही एक दुर्घटना हुई रूस के नोवोकुस्नेत्स के शहर में रहने वाले कपल के साथ। इस कपल के बीच झगड़ा हो रहा था। लड़ाई के बीच में ही अपने पति से माफी मंगवाने के लिए महिला उसके मुंह पर बैठ गई, लेकिन पति इस कारण से सांस नहीं ले पाया और उसकी मौत हो गई। जब थोड़ी देर के लिए उसके पति ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, तब महिला उसके मुंह से उठी, लेकिन तब तक पति ही दुनिया से उठ चुका था। रूस में रहने वाली टात्याना के ऊपर अपने पति के मर्डर का आरोप लगा है। 101 किलो की इस महिला के वजन की वजह से उसके पति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि उसके पति एगर ने अपनी जान के लिए उससे भीख मांगी थी, लेकिन महिला काफी गुस्से में थी। बहस के दौरान वो एगर के मुंह पर बैठ गई और उठने से इनकार कर दिया। इसी समय सांस रुकने से शख्स की मौत हो गई। बेटी ने सबसे पहले देखी थी बॉडी। घटना के बाद कपल की बेटी ने सबसे पहले पिता की बॉडी देखी थी। रूस के नोवोकुस्नेत्स के शहर में रहने वाले इस फैमिली के साथ हुई इस ट्रेजेडी को लेकर महिला का कहना है कि उसका इरादा मर्डर नहीं था, वो बस अपने पति को शांत करना चाहती थी। शख्स लड़ते हुए लगातार बोले ही जा रहा था। उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसके ऊपर चढ़ बैठी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इससे उसकी मौत हो जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट से खुला सच। पहले तो महिला ने किसी को मामले की सच्चाई नहीं बताई। इसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आए, उसमें खुलासा हुआ कि शख्स की मौत सांस रुकने से हुई है। महिला ने तब बताया कि रात में दोनों बैठकर पी रहे थे। इस दौरान किसी बात पर उनकी बहस शुरू हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर कई आरोप लगाने लगे। इसी बीच महिला को गुस्सा आ गया और वो अपने पति के मुंह पर चढ़कर बैठ गई। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें।